हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी पनीर मटर टिक्की। ये रेसिपी बहुत ही डिलीशियस बनेगी एंड आई होप कि आप सभी लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मैंने यहाँ पे ग्रेटेड बॉइल्ड पोटैटोज लिए हुए हैं और इसी में मैं ऐड करूंगी ब्रेड और इसमें ऐड करूंगी टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर यानी जीरा पाउडर, सॉल्ट एंड फिर इसे बहुत ही अच्छे से मैश कर लूँगी और इसका एक डो तैयार कर लूँगी। और अब मेरे पास यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स है फिलिंग के लिए। सबसे पहले पनीर ग्रेट कर लेंगे। और ये हमारा ग्रेटेड पनीर भी तैयार है। आइए फिलिंग तैयार करते हैं। और यहाँ पे कुछ मटर भी है। सबसे पहले पैन में हम डालेंगे ऑयल। और इसमें डालेंगे जीरा। और इसे बस कुछ देर तक सॉटे करेंगे जब तक इसकी महक ना आ जाए। अब इसमें डालेंगे हम अनियंस बारीक चॉप किए हुए और इसे भी कुछ देर तक अच्छे से सॉटे कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, अमचूर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, मटर और इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे ग्रेटेड पनीर और इसे भी अच्छे से सॉटे कर लेंगे। और अब हमारा फिलिंग तैयार हो गया है। अब हम डो को थोड़ा लेंगे और सबसे पहले हाथ में हम तेल लगाएंगे कुछ इस तरह से। अब ये एक थोड़ा बड़ा शेप में डो हम लेंगे, इसके बॉल्स बनाएंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे। और अब इसे कुछ इस तरीके से प्रेस करेंगे कि इसके अंदर हम ये फिलिंग डाल सकें। और ये अच्छे से फिलिंग इसमें डाल के थोड़ा और डो हम लेंगे और फिर ऊपर से चारों साइड से इक्वली इसे हम बाइंड कर देंगे कुछ इस तरह से। और आप देख सकते हैं कि हमारा ये टिक्की कितना अच्छे से तैयार हो गया है। अब यहाँ मेरे पास है ब्रेड क्रम्स, इसमें मैं इसे अच्छे से कोटिंग कर दूंगी। और ये कोटिंग के बाद हम ऐसे ही और सारे जितने भी बचे हुए हैं सबके मैं टिक्की बना के रेडी कर दूंगी। और अब इसे रेफ्रिजरेट करने के लिए अराउंड 10 मिनट सेट होने रख दूंगी। 10 मिनट बाद हमारा यहाँ तेल गरम है, इसमें मैं डालूंगी अपना टिक्की जो मैंने बनाया है और इसे डीप फ्राई करूँगी मीडियम आँच में। इससे क्या होगा कि अंदर अंदर तक बहुत ही अच्छे से ये हो जाएगा। अब ये जब हमारा टिक्की लाल हो जाए, अच्छे से दोनों तरफ से प्रॉपरली फ्राई हो जाए, तब हम इसे बाहर निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। और बस हमारा ये टिक्की तैयार हो गया। अब इसे टोमेटो सॉस या अपने मनपसंद चटनी के साथ सर्व कीजिए। थोड़े से अनियंस भी ले लीजिए और फिर इसे सर्व कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि ये टिक्की बहुत ही डिलीशियस बनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस लवली वीडियो। ये रेसिपी आप सभी के साथ शेयर कीजिए और सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी।